सालों में इजीली पूरा नरिश करना है ताकि ये रूट तक जाए। आपको अपनी उंगलियों से इसको पूरे बालों में इस तरह फैलाना है। Hey guys, this is Ashish Dikshit and you're watching Classy Indian। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिमालय के इस एंटी हेयर फॉल क्रीम के बारे में। जो हिमालय की एंटी हेयर फॉल क्रीम है ये बेस्ड है हमारी भृंगराज और आमला के बेसिस पे, जिसको काफी सेवरल हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली लोगों को हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा। काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो सिर्फ हेयर फॉल के लिए हो ना कि रीग्रोथ के लिए। तो ये प्रोडक्ट एक ऐसा है जो कि आपकी हेयर फॉल को काफी हद तक कम कर देगा सिर्फ 3 से 4 दिनों में, और एक वीक के अंदर ये आपके हेयर फॉल को पूरी तरीके से कम कर देता है और काफी हेल्पफुल रहता है आपके लिए। तो प्रोडक्ट काफी अच्छा है ये, और इसे यूज करते हैं कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या है ये क्रीम, किस तरह वर्क करती है, सब कुछ मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो साथ में बने रहिए और देखते हैं लास्ट तक। तो जैसा कि प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस प्रोडक्ट में सबसे खास बात है ये कि ये भृंगराज और अमला पे बना है। तो जो भृंगराज है हमारा वो क्या होता है आप जानते हैं, बहुत ही पुरानी ओल्ड हर्ब है जो कि हेयर लॉस कंट्रोल करने के लिए जानी जाती है, हेयर ग्रोथ के लिए जानी जाती है। और अमला जो है हमारा वो हमारे हेयर्स को नरिश करता है, तो उसके लिए काफी बेटर रहता है हमारा अमला। तो रिड्यूस हेयर फॉल करता है, प्रमोट हेयर ग्रोथ करता है। प्रोडक्ट में जो इसके मिले हुए हैं एक्चुअली आप इंग्रेडिएंट्स हैं काफी अच्छे हैं, जो कि मेनली आपकी हेयर ग्रोथ और हेयर रूट्स जो होती है उन्हीं को टारगेट करती है और उन्हीं पे वर्क करती है। तो इस वजह से प्रोडक्ट और अच्छा हो जाता है, इसी वजह से इस प्रोडक्ट को मैंने रिकमेंड किया है आपको यूज करने के लिए। तो प्रोडक्ट अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इसकी एमआरपी की। जैसे आप देख सकते हैं इसकी एमआरपी इन्होंने दे रखी है 75 रुपीज। 75 रुपीज जो एमआरपी है इसकी वो है 100 ग्राम पैक के लिए। तो 100 ग्राम पैक के लिए 75 रुपीज आई डोंट थिंक इज द बैड डील। तो चलिए पैक को ओपन करते हैं और ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसका टेक्सचर क्या है। ओपन करने में जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर एक आपको निकलती है, और टेक्सचर देख सकते हैं आपका जो टेक्सचर है नॉर्मल क्रीम की तरह से ही है आपका। इसकी स्मेल की बात करें तो इसकी स्मेल में कोई भी ऐसी स्मेल नहीं है जो आपको इरिटेट करेगी। इजीली एब्जॉर्बेबल है आपके बालों में, वो मैं आपको अभी लगा के दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा इस क्रीम को यूज करने का तरीका क्या है। तो क्रीम लगाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं कि इस क्रीम को किस तरह से यूज करेंगे और किस तरह से आपके हेयर फॉल को कम करेगी इस क्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको लगा के बताते हैं आपको कैसे। तो पहले लगाने से पहले मैं बोलना चाहूंगा आपको क्रीम यूज कैसे करनी है। यूज करने के सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बालों को या तो आप वॉश कर लें, या फिर नहीं वॉश करते हैं तो नहाने से पहले, या तो आप बाथिंग से पहले या उसके बाद में, दो टाइम होता है जब आपको यूज करनी होती है। बाथ से मिनिमम 2 घंटे पहले आपको इसे अप्लाई करनी है, उसके बाद आप नहा सकते हैं, या फिर नहाने के बाद आप उसको लगा लीजिए, फिर दोबारा जब नहाते हैं अगले दिन तक या जैसे भी नहाते हैं आप लगा रहने दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है उसमें, वो ये आपको ध्यान रखनी है कि आपको इसे लगाने के बाद या पहले जिस टाइम आप इसको यूज कर रहे हैं जिस पीरियड में, उसमें आपको अपने बालों में कोई भी ऑयल नहीं यूज करना पड़ता है। और चाहे तो आप इसके साथ में इसका हिमालय के एंटी हेयर फॉल शैम्पू आता है आप उसे यूज कर सकते हैं। एंटी हेयर फॉल शैम्पू से अपने बालों को वॉश करके उसके बाद आप इस क्रीम को लगा सकते हैं, तो प्रोडक्ट और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा आपके बालों के लिए, तो आप यूज कर सकते हैं उसके साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोडक्ट को आखिर यूज कैसे किया जा सकता है। लेते हैं सबसे पहले आपको देख लेते हैं इतनी सी क्वांटिटी हमें लेनी होती है मिनिमम। इतनी सी क्वांटिटी लेने के बाद में, क्योंकि इतनी क्वांटिटी इसलिए ले रहे हैं ताकि ये आपके इजिली बालों में पहुंच सके। इतनी क्वांटिटी लेने के बाद में सिंपली हमें इसे अपने हाथ पे लेना है और अपने बालों में जैसे कि आप ऑयल अप्लाई करते हैं उसी तरह पहले अप्लाई करिए, उसके बाद उंगलियों से लेकर के आपको इसे इस तरह से अपने बालों में इजिली पूरा नरिश करना है ताकि ये रूट तक जाए। आपको अपनी उंगलियों से इसको पूरे बालों में इस तरह फैलाना है, इसे अच्छी तरह से इस तरह लगाएं कि आपके स्काल्प पर इजीली ये पहुंच जाए। इसे लगाने के बाद में सिंपली मैं अपने बालों को जैसे आप रेगुलर कंघी यूज करते हैं आपको उसी तरह यूज करना है, और इसे खींच लेना है अपने बालों को जैसे आप सेट करना चाहें आप उस तरह अपने बालों को सेट कर सकते हैं। वे डन, हमने अपने बालों को एक्चुअली जैसे हम यूज़ करते हैं उसी तरह यूज़ करते हैं, इसे हम पूरा टाइम अपने बालों पे जाएं तो लगा रहने दें। कोई बहुत ज़्यादा टेक्सचर नहीं है, ना ही आपको छिपछिपा मालूम दे रहा है यूज़ करने पे, ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी भी नहीं लगेगा। थोड़ी देर के बाद आपके बाल एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, जिस तरह आपके नॉर्मल बाल होते हैं ये उसी तरह आपको कुछ देर में मालूम पड़ेंगे। तो आप इसे बालों में लगा करके बाहर जा सकते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहें आप वहाँ जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके बालों पर। प्रोडक्ट ओवरऑल अच्छा है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे बालों का टेक्स्चर काफ़ी अच्छा आ चुका है, सब कुछ अच्छा है और कुछ भी पता नहीं चल रहा, और 3-4 दिनों में आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा, तो आप खुद भी जज कर पाएंगे इस प्रोडक्ट को। तो मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ आप भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, और आपको जैसा भी रिजल्ट आता है, अच्छा खराब जैसा भी आता है, आप मुझे कमेंट में करके अपना रिजल्ट जरूर शेयर करिएगा मेरे साथ में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस वगैरह बनाऊँ लाइव हूँ तो आपके उस कमेंट्स को भी उसमें पढ़ सकूँ और लोगों को बता सकूँ कि आपका एक्सपीरियंस भी कैसा रहा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो जरूरी नहीं कि सभी का एक्सपीरियंस अच्छा रहे, बट
आप खुद भी जब इसको अगर आप ऑनलाइन बाय करते हो तो आप वहां पे इसकी रिव्यूज पढ़िएगा। आप रिव्यूज पढ़ के, क्योंकि वहां पे तो मैं नहीं लिखने जाता है, कोई नहीं लिखता, इसके रिव्यूज बहुत पॉजिटिव रिव्यूज हैं वहां पे, और सालों से लोग इस क्रीम को यूज करते चले आ रहे हैं, तो बेस्ट रिजल्ट आता है इसका। तो आप ट्राई करके देखिएगा इस प्रोडक्ट को, आप खुद समझ जाएंगे। दोस्तों इसको बाय करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप चाहे तो वहां से बाय कर ले, अदरवाइज ये किसी मेडिकल स्टोर पे या फिर कॉस्मेटिक शॉप पे अवेलेबल होता है, आप वहां से भी इसको बाय कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से फुल मार्क्स हैं इसे रिव्यूज में, उम्मीद करता हूँ आपके मार्क्स पता चलेंगे मुझे आप कितना इसको मार्क्स देते हैं, तो यूज करके मुझे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में जिसमें कुछ और भी अमेजिंग वीडियोज आएंगे, कुछ और भी प्रोडक्ट्स में रिव्यू करूंगा। तो मिलते हैं जल्दी से ही, फिर तब तक के लिए बाय बाय।